नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर ग्राम छपाई के मजरा पटला के एक संगठन सरस्वती महिला ग्राम की महिलाओं ने संगठित होकर एडीएम ललितपुर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से हमारा गांव बहुत पीछे है, किसी भी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है। इन्हीं मूलभूत समस्याओं को लेकर इन महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा और बताया कि गांव में मनरेगा, रोजगार, रास्ता, शौचालय, आवास, बकरी पालन, नाली संपर्क मार्ग का नवीनीकरण, प्राथमिक स्कूलों में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि हमारा ग्राम इन मूलभूत समस्याओं से काफी पीछे है, हम सबको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। आज प्रदर्शन किया गया है, क्या कारण रहा? हम ब्लॉक जखोरा ग्राम छपाई मजरा पटला से आए हैं सर, और हमारे गाँव में गाँव सड़क की बहुत परेशानी है सर, सड़क नहीं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, और सर रोजगार की भी समस्या, हम लोगों को बहुत रोजगार भी नहीं मिल रहा सर, हमारे गांव में नाली नहीं है सर, पानी आने जाने का, और सर स्कूल की बिल्डिंग है सर टूटने वाली है, बच्चे दब जाएंगे, क्या कुछ हो जाएगा तो क्या है सर, कुछ भी नहीं देख रहा कोई आता, तो क्या स्कूल की जो छाते वो जर्जर है क्या? हाँ सर, गिरने वाली है सर, स्कूल की बिल्डिंग है जो गिरने वाली सर, कोई सुनाई सुन नहीं रहा है सर। कहाँ कहाँ शिकायत की अभी आपने? सर हम ब्लॉक में गए, बीडीओ साहब के पास गए थे सर, लेकिन वो बोल रहे थे हम आपके गांव में आएंगे, लेकिन वो गांव में आए भी नहीं, और झूठ भी बोले हम लोगों से कि हम आएंगे आपके गांव में सर। आप लोगों की क्या मांगे हैं सर? हमारी यही मांगे, हमें सबसे पहले सर हमारा रोड सड़क चाहिए, हमारे गांव की रास्ता चाहिए सर, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही सर, ना आ जाती, कोई नहीं आ पाती सर अच्छे से, रास्ता बहुत खराब है सर, और हमें रोजगार भी चाहिए, नाली नहीं है सर, स्कूल की बिल्डिंग भी चाहिए सर, हरिजन जाति से हैं सर, गरीब लोग हैं, कम से कम छपाई मजरा से 500-600 की आबादी है सर हमारे गाँव में।